हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष मेहता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद आयुष मेहता। सो आज हम बात करने वाले हैं एक और न्यू कंट्री के बारे में, लाइक अल्बानिया के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। अल्बानिया वर्क वीज़ा 2022 कि लाइक आप वर्क परमिट कैसे अप्लाई कर सकते हैं एक एजेंसी के थ्रू, एंड प्रोसेस क्या रहेगा, क्या क्या पोजीशंस है, सैलरी क्या रहेंगी एंड कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एवरीथिंग हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो पहले वैसे मैंने अभी तक अपने चैनल पर अल्बानिया के ऊपर एक भी वीडियो नहीं डाला है, तो ये फर्स्ट वीडियो है अल्बानिया के ऊपर, और थोड़ा सा अल्बानिया के बारे में हम जान लेते हैं बेसिक लाइक इन्फॉर्मेशंस वगैरह। तो आप अच्छे से सुन लीजिए क्या क्या मैं आपको बता रहा हूँ। लाइक जो अल्बानिया है वो यूरोपियन कंट्री है, ठीक है। अल्बानिया क्या है कि यूरोपियन कंट्री एंड टूरिज़म कंट्री है। लाइक अल्बानिया जो है सिचुएटेड है, मान के चलिए कि साउथर्न यूरोप में, ठीक है। और जो अल्बानिया की कैपिटल है वो तिराना है, और अल्बानिया की जो पॉपुलेशन है वो 29 लाख के आसपास है, 29 लाख है, ठीक है, 2022 में। करेंसी जो है 1 अल्बानियन लेक जो वहाँ पे चलता है, अल्बानियन लेक चलता है, इंडिया का लगभग 0.67 इंडियन रुपीज़ के आसपास है, मतलब 67 पैसे के आसपास। और लैंग्वेज जो चलती है वहाँ पे अल्बानियन चलती है, ग्रीक चलती है, इंग्लिश चलती है, इटालियन चलती है, फ्रेंच चलती है और एक्सेट्रा बहुत सारी अदर लैंग्वेजेस भी चलती है, बट अल्बानियन, ग्रीक, इंग्लिश ये सब ज़्यादा चलती है वहाँ पर, ठीक है। तो आपको बता देता हूं कि जो हम वीज़ा के बारे में बात करने वाले हैं, वर्क परमिट यानी कि लॉन्ग टर्म वीज़ा जिसे बोलते हैं, टाइप डी, ठीक है। टाइप सी शॉर्ट टर्म वीज़ा की बात नहीं कर रहे हैं, टाइप डी वीज़ा की, ठीक है। टाइप डी वीज़ा यानी कि परमानेंट वर्क परमिट फॉर एलिजिबल फॉरेनर्स के लिए होता है, यहाँ पे लिख के आप पढ़ पाएंगे अच्छे से। और लॉन्ग टर्म वीज़ा होता है टाइप डी। तो बता देता हूँ कि ओनली ECNR पासपोर्ट कैन अप्लाई, यहाँ पे लिखा हुआ ECR वालों के लिए ये वैकेंसी नहीं है, ओनली ECNR पासपोर्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं जो कि 10th पास हैं, ठीक है। एज लिमिट जो यहाँ पे मेंशन है वो 23 ईयर्स है, मिनिमम मैक्सिमम 45 ईयर्स है, 23 साल से लेकर 45 साल के लोग इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। और पोजीशंस यहाँ जो दी हुई है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, और बता देता हूँ कि फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी बात है कि फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट वालों के लिए तो है ही, लाइक मान के चलिए जो फ्रेशर हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जिन्होंने डिप्लोमा, लाइक मान के चलिए सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा या डिग्री, मिनिमम फ्रेशर्स, उसके बाद सर्टिफिकेट कोर्स होता है आपका 3 या 6 महीने का, उसके बाद आपका डिप्लोमा होता है 1 साल तक का, उसके बाद जिन्होंने 3 या 4 साल की डिग्री कर रखी है हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट या होटल मैनेजमेंट में। तो यानी कि चारों तरह के लोगों के लिए है, ये फ्रेशर्स के लिए भी है, और सर्टिफिकेट कोर्स जिन्होंने किया है और जिन्होंने डिप्लोमा किया है, डिग्री करी है, सब कुछ, ठीक है। कैटेगरी सिर्फ 2 है पोजीशंस, पहली है वेटर एंड वेट्रेस, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं दोनों पोजीशंस में। वेटर एंड वेट्रेस है, इसकी जो सैलरी है $450 है, प्लस ओवर टाइम है, ठीक है। सेकंड नंबर की जो वैकेंसी है वो है हाउसकीपिंग। हाउसकीपिंग में मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, $450 सैलरी है, प्लस ओवर टाइम है। तो दोनों में $450 आपको सैलरी मिल रही है, प्लस ओवर टाइम मिलेगा। और वेटर वेट्रेस अप्लाई कर सकती हैं, हाउसकीपिंग में भी मेल फीमेल दोनों में, मेल एंड फीमेल बोथ कैन अप्लाई। तो $450 सैलरी काफ़ी कम है, 33,000 के आसपास होती है बेसिक, प्लस ओवर टाइम है। तो मैं बता देता हूँ कि अल्बानिया में बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं बनती, बट सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा है। अल्बानिया को वर्क वीज़ा का सक्सेस रेशियो काफ़ी हाई है। अगर आप रोमानिया, क्रोएशिया ये सब बड़ी कंट्री नहीं जा पा रहे हैं तो अल्बानिया भी एक अच्छी डेस्टिनेशन है आपके लिए, ठीक है। और सैलरी तो मैंने बता दी बेसिक। अब इसमें ओवर टाइम लाइक इंक्लूड होगा। ओवर टाइम के बाद अगर मैं बात करूं आफ्टर OT यानी टिप्स वगैरह इंक्लूड करके, तो 600 से लेके $700 आपकी सैलरी बनेगी। 450 बेसिक है, और आपकी जो ड्यूटी रहेगी वो 8 या 9 घंटे पर डे की रहेगी, 8 या 9 आवर्स की पर डे की रहेगी। तो ओवर टाइम आप लगाएंगे, जाहिर सी बात है, तो आपकी ऑलमोस्ट जो है $600 से लेकर $700 सैलरी बनेगी ही बनेगी। टिप वगैरह मिलेगी, इंसेंटिव है, बोनस है, OT है। तो मान के चले कि मिनिमम आपकी 45 से लेकर 55 के बीच बनेगी, मतलब 50,000 तक आराम से आप 45-50,000 तक तो कमा ही सकते हैं। 55 नहीं बोल सकते, बट 45 आपकी कहीं भी नहीं गई है। लाइक एज ए हाउस कीपर 45 से 50,000 आपकी सैलरी हो गई, और आपको एकोमोडेशन फ्री मिल रहा है, फूड फ्री मिल रहा है, मेडिकल इंश्योरेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइडेड बाय कंपनी, तो खाना रहना सारा चीज़ें आपको फ्री मिल रही है। तो 50,000 आप आराम से पूरी अपनी सैलरी सेव करोगे, यानी कि इन अ ईयर ₹6 लाख, 6 लाख का आपका पैकेज इसमें आपको दिया जा रहा है, 6 लाख का पैकेज। अल्बानिया में एज ए हाउसकीपर या तो एज ए वेटर या वेट्रेस जा सकते हैं, दोनों में मेल एंड फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, विद एक्सपीरियंस एंड विदाउट एक्सपीरियंस, यानी कि फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। बट एज 23 से लेकर 45, इससे ना कम ना इससे ज़्यादा, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपके क्लियर कर दिया डाउट। कंसल्टेंसी का नाम मैं आपको बता देता हूँ, वो है कॉन्ट्रामेंटर्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। तो कॉन्ट्रामेंटर्स से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इनकी वेबसाइट यहाँ लिख के आ रही है आपको www.contramentors.com और एड्रेस जो इनका है 17 फर्स्ट फ्लोर नन्ही दुनिया आपका गली DAV कॉलेज रोड करनपुर देहरादून उत्तराखंड और पिन कोड है 248001 और इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है यहाँ मेंशन है कॉल कॉन्ट्रामेंटर्स इन वर्किंग आवर्स। इनको कॉल कर सकते हैं 10 से 6 PM के बीच में 10 to 6 PM के बीच में मंडे टू सैटरडे। और यहाँ जो नंबर मेंशन है बता देता हूँ 8826149730। इसके अलावा यहाँ पे ऑलमोस्ट आपके 4-5 नंबर्स और मेंशन है, टोटल 6 नंबर मेंशन है। आप इनको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और ललित भदौरिया सर जो है वो मेन डायरेक्टर हैं और स्टाफ से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, स्टाफ अच्छा है इनका, सब कुछ सर भी अच्छे हो, काम इनका काफ़ी जेन्युइन है। लाइक इनके पास पहले वैकेंसीज आई थी बुल्गारिया की, अभी कनाडा की वैकेंसीज मैंने अपडेट करी थी, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जेन्युइन एंड ट्रस्टेबल कंसल्टेंसी है अगर आप यूरोप जाना चाहते हैं। और सर्विस चार्ज वगैरह कितना होगा ये तो मैं नहीं बता सकता, ये लाइक कैंडिडेट से शेयर करेंगे, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर्विस चार्ज कम है, अगर आपका बजट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर एक्सपेंसिव लगता है आपको तो कोई दिक्कत नहीं, आप नेक्स्ट वैकेंसीज़ के लिए वेट कर सकते हैं। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो वेटर या वेटर्स में लाइक होटल लाइन में जाना चाहते हैं, क्योंकि होटल लाइन में आपको खाना फ्री मिलता ही मिलता है, रहना भी फ्री मिल रहा है, मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ फ्री है, तो 50,000 आप सैलरी अपनी पूरी सेव कर पाओगे। तो सर्विस चार्ज के लिए एजेंसी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, प्रोसेस पूछ सकते हैं। ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से तो 2 या 3 मंथ्स के अंदर आपका मैक्सिमम 3 मंथ्स के अंदर ये काम हो जाएगा, क्योंकि अल्बानिया में 3 मंथ्स के अंदर आपका पूरा स्टैंपिंग तक काम हो जाता है और कोई खास हार्ड इंटरव्यू नहीं होगा। पहली चीज़ तो ये बेसिक कम्युनिकेशन स्किल आपकी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और रिजेक्शन रेट इसमें कोई ज़्यादा है नहीं, क्योंकि अगर इवन रोमानिया में भी आपका रिजेक्ट हो जाता है, बट अल्बानिया में बहुत कम चांस है कि आपका वीज़ा वगैरह रिफ्यूज़ होगा। और प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा तो 3 महीने में आप फ्लाई करोगे ही करोगे इंडिया टू अल्बानिया। और यूरोपियन कंट्री है, अच्छी डेस्टिनेशन है और आप सेटल वगैरह भी आगे हो सकते हो फ्यूचर में, और सैलरी भी इंक्रीज़ होती रहती है, ऐसा नहीं है कि सैलरी बढ़ेगी नहीं आपके, तो आप अप्लाई कर सकते हो। सैलरी ये मत देखिए, थोड़ी सी सैलरी स्टार्टिंग में तो कम है, आप देखोगे कि यार 450 USD में कौन जाएगा, नहीं यार ठीक है 33,000 में आप जाइए। आप OT लगाओगे तो 45-40,000 तो आपकी कहीं गई नहीं है, टिप्स आपको मिल जाएगी, कुछ इंसेंटिव मिल जाएगा, बोनस मिलेगा, ये वो, तो 50,000 तक आप आराम से कमा सकते हो। तो ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ जिनको भी जाना है अल्बानिया उनके साथ वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। और ECMR पासपोर्ट वालों के लिए ECR वाले अप्लाई इसमें नहीं कर सकते हैं। तो एजेंसी काफ़ी अच्छी है, इनका चैनल्स वगैरह भी, इनके फेसबुक पे भी आप अपडेट रह सकते हैं, तो कांटेक्ट कर सकते हो। कोई किसी तरह का पेड प्रमोशन नहीं है, सिर्फ गाइडेंस अच्छा देता हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि ये एजेंसीज इंडिया में अच्छा काम कर रही है, आप इनके थ्रू आगे यूरोप वगैरह में जा सकते हैं, ये और कंट्रीज़ के लिए भी वर्क करते हैं। तो ये थी आज की वैकेंसी अल्बानिया के लिए, जो हाउसकीपिंग में या फिर वेटर में जाना चाहते हैं। वेटर वेटर्स में मेल एंड फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, एजेंसी से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबाएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाली सारी न्यू वीडियोस इसी चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। सो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, स्टे सेफ, जय हिंद।